हक अपनी जरा सी जान पे तुझे पहली नजर में ही दे। यहाँ से सेकंड टोल कटेगा आपका, जो पर्ची काटते ना ये यहाँ काटनी पड़ी, यहाँ से काटनी ऐसे। फाइनली तो पहुंच गए हम 1000 में। व्यू चेक करो बस आप, अब जो मिलने आओ थोड़ी फुर्सत से ही आना, कुछ वक्त लेते आना, कुछ जज्बात है। ये हम पहुंचे हैं अभी, ये हजार पहुंचे हैं, तो ये गार्डन ही है यहाँ पे। अच्छा ये है तो गाइस हम पहुंच गए हैं 1000 में। तो जैसे हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो थोड़ी थोड़ी ना बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है। क्लाइमेट चेक करो, वेदर चेक करो, हर का अब रश तो नहीं है यहाँ पे, देखने में तो कम लग रहा। कन्ना भैया बता रहे थे कि एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है इस टाइम, बट अभी जो ना यात्रा चल रही है उस चक्कर में ना काफ़ी कम रश है यहाँ पे। पहुंच गए हम 1000 में। व्यू चेक करो बस आप, तो राजेश जी बताइए कैसा फील हो रहा है आपको 1000 में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा मनीष में लग गया डाल में। तो आपने पहुँचा ही दिया 1000 में आके ना। चलो हमने नहीं बोलते हैं पहुँचाने वाले के ऊपर वाला, हम तो चलो आपके साथ चलो लेके तो आप ही आए ना सर, पिछली बार हम रहेंगे थे, लेने वाला भी वो जरिया तो बनता ना। नहीं सर लेने वाला ही हुआ, हम सिर्फ आपके उन्होंने निमित्त मात्र बनाया है। चलो आप ही इनके साथ यही जा रहे हैं, आप भी चलो। ये रीज़न है सर, हम तो स्नोफॉल में तो ज़्यादा मज़ा आता है ना, यहाँ तो बहुत ठीक है। असें पूरी क्रिकेट क्रिकेट इतना कुछ कुछ नहीं लेना, मज़ा आ गया। गाइस पकड़ लो, लड़की देख ली है गाइस। फिलहाल तो दिसंबर या जनवरी में मैं आऊंगा, उसके बाद फरवरी में रजत का नंबर है, रजत के लिए लड़की देख रहे हैं हम। चल यार क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। रजत के लिए लड़की देख ली है। हाँ देख ली, देख ली घर वालों ने। तो इसका मतलब कि वेट करो, बस बस एक दो महीने, एक दो महीने वेट करो ना, मैक्सिमम सितंबर की लास्ट में देख लो। गाइस बता दिया इसने, तो बस ये कार्ड सबको भेज देंगे हम। पर सितंबर कौन सा होगा ये नहीं बताया मैंने, 2000 कौन सा होगा वो नहीं बताया, सितंबर बताइए। चलो सितंबर तो है ना, बाकी हम डेट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो कौन से ईयर है ये भी नहीं बताया, सितंबर बताया सर मैंने, मान गया ना अब। हाँ सर मान गया, सितंबर में सर, सितंबर में आएंगे हम। बस अभी लंगर देखते हैं, लंगर खाना है उसके बाद निकलना है यहाँ से। लंगर महादेव जी का प्रसाद, प्रसाद खा के यहाँ से निकलेंगे। तो अभी इसके बाद सीधा हम बरमोर में रुकेंगे ना, चंबा में रुकेंगे, उसके बाद बरमोर में रुकेंगे। नेक्स्ट स्टेशन रहेगा हमारा चंबा। पड़ेगा मुझे कहाँ? हाँ जी भैया मासी के घर, वहाँ रुकना पड़ेगा। कितनी देर है? आधा घंटा खाना वगैरह खाएंगे बस। ठीक ठीक है। हाँ जी गाइस, तो अभी यहाँ एक मंदिर में, यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं, भोलेनाथ के मंदिर में। स्टार्टिंग में यहाँ पे मंदिर ये थोड़ा इसको क्रॉस करके ना, 1000 को क्रॉस करके मंदिर पड़ता है। दिखाता हूँ गाइस आपको यहाँ का व्यू, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये।
1 foot है yes. तो गाइस अभी हम चंबा से कहाँ इसी हैं, तो बाहर का व्यू देखो आप, नेचर क्या बात है यार, देख ना दिल को ना अलग सा फील होता है। गाइस हम पहुंच गए हैं चंबा में, वेलकम टू चंबा। तो अभी भैया जैसे बता रहे थे कि हमें रुकना है मासी के घर में, तो अभी मासी के घर में तो गाइस अब ये जो देख रहे हो आप ये है रावी रिवर, जो कि रावी रिवर जो है ना ये इसका ओरिजिन हुआ है हमारे यहाँ से कुल्लू हिल से और रोहतांग पास के वेस्ट से निकलती है ये, और ये चंबा से भी फ्लो होती है। ये जो फ्लो रही है अभी ये हमारी रावी रिवर है। तो गाइस सामने चेक करो देखो पहाड़ है, थोड़ी थोड़ी पड़ी है। जैसे कि गाइस जो ये हमारी रावी रिवर है ना इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक बुद्धिल है और दूसरी को बोलते हैं नाई या डोना बोलते हैं। तो गाइस अभी हो गया है अंधेरा, तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ 3 टनल है कंटिन्यू, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर गए हैं ये। तो गाइस ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया अभी, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आप सबको सेकेंड वाला ये जो हमारा पार्ट है ये काफ़ी अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत बोलना, और कमेंट बॉक्स में ना हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो हर हर महादेव।